करता हूँ और इंशाल्लाह मारता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है, वो ये है कि जनता के बीच में आते हैं और हर एक जनता की दुख दर्द और पूरी बातें सुनते हैं और उनके ऊपर अमल करते हैं। दूसरी बात, लीडर इसलिए कि कई लीडर हमने देखे हैं इलेक्शन के दौरान, बहुत लीडर मैंने देखे हैं। ये इलेक्शन मैंने भी लड़ाया जलास वार्ड नंबर 3 से, तो मैंने ये देखा कि इलेक्शन के दौरान बहुत लीडर आकर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। फिर वो आते कैसे हैं, उससे पहले भी मैंने देखे और उसके बाद में भी मैंने देखे, वो एक आधा का उनका चुना होगा, नियुक्त किया होगा जो आगे वर्कर होता है, हेड वर्कर, उन्होंने आना गाड़ियों से, सिगरेट पीते हुए आते हैं, पेट निकाले हुए डायरेक्टली उन बंदूक के अंदर चले जाते हैं, वहां पर मुर्गे शुरगे खाए, खाने के बाद उसी घर में उन्हीं को सबके सब सामान दे करके जो वहां का उनको कुछ देना होता है वो आवाम के नाम से, वरना वो अपने घरों में उनको इस्तेमाल करके वो वहां से चले जाते हैं और वहां से वो लोकल लीडर जो है, वो जो वर्कर है, वो वहां चमक जाता है। देखो मैंने इस इलेक्शन के दौरान भी देखा, पिछले इलेक्शनों में मैं यही देखता रहा, मैं फौज से 2 साल हो गए रिटायर होकर आए हुए, तो मैं आते इनके साथ चलता रहा, मैंने ये देखा कि अगर उस एरिया में डेवलपमेंट वो पहुंच पाए, उन्होंने अपनी हाजिरी को जो है वो यकीनी बनाया और उसी की एक ये घड़ी है कि आज उन्होंने ये जलास का भी शायद ऊपर जलास का शायद दूसरा टूर या तीसरा टूर शायद ये आज रखा है। हम दिल की अमीर गहराइयों के साथ इनको जो है मुबारकबाद पेश करते हैं कि कम से कम ये वहाँ पुंछ में बैठे रहें तो भी ये अपने ओहदे पे हैं, ये जम्मू में बैठे रहें तो भी ये अपने ओहदे पे हैं, ये वहाँ से बैठ के भी काम की जो है वो रहबरी कर सकते हैं तो भी अपने ओहदे पे हैं, लेकिन जो इनकी ये लगन ये धड़कन है कि इलाके के अंदर डोर टू डोर जाके इलाके को देखा जाए, अपने लोगों के हालात से जो है वो दो चार उस मुश्किलात का जो है वो इजाला किया जाए, उनकी बातें सुनी जाएँ, या जो इनकी तरफ से कोई भी सहायता इलाके के अंदर किसी चीज़ की कमी है तो उसके ऊपर जितनी भी इनकी मेहनत जो इन्होंने आज तक की है और आगे भी करेंगे उसको देख के जो ये करते हैं उसके ऊपर हम सब इनको जो है वो मुबारक दिल की अमीर गहराइयों के साथ मुबारक देते हैं। तो अब जितने काम हैं, जितना भी MLC आए हैं, उनसे ज़्यादा जो है 1.25 साल के अंदर हमारे प्रदीप शर्मा साहब ने किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कई लोग आते हैं कहते हैं ये हमारा इलेक्शन है, इस बार लास्ट इलेक्शन है, या इस बार हमें ये दे दो, हमें वोट दे दो, इसके बाद ये होगा। आपको ये पता होना चाहिए, जो भी आदमी ये बात कहेगा इसका मतलब ये है कि वो दूसरी बार नहीं आएगा। हमारा नेता अगर इनको 40-45 साल की उम्र में अगर MLC बनाया गया तो इनके अंदर कोई ना कोई कारकर्दगी पार्टी ने देखी है, तो इसलिए बनाया गया। पूरी पार्टी के अंदर नौजवान और कम उम्र के जो है MLC प्रदीप शर्मा जी बने हैं और इन्होंने 1-1.25 साल के अंदर जो करके दिखाया वो आपके सामने है। आपको ये पता है इस वक्त हुकूमत डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व हुकूमत कर रहे हैं, क्या गांव में कर रहे हैं, क्या शहर में कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और 5 साल तक जितने भी ये काम करेंगे आप सभी सरपंच, लेकिन असल में यह सब कुछ होना था, इसलिए मुझे जो है वो उससे कुछ नहीं, मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए बात करता हूँ कि ये मतलब है कुछ है। ये नहीं है कि मतलब है जी ये शर्मा जी वो शर्मा जी, हम दो बरादरियों के लोग हैं, पहले भी इकट्ठे थे, मिल के रहना है, मिल के वक्ते फ़ायदा उठाने के लिए मतलब है इंसान को जो है वो तकसीम किया जाता है और जब सोच महदूद हो जाती है तो तब उसका वक्ती तौर पर जो है वो हम नुकसान उठाते हैं। आपको याद होगा जो साथी मेरे साथ है जावेद मेरा अजीज है, हमने उसको उंगल पकड़ के चलना सिखाया है, हमने उसको गुज़श्ता बार जो है वो चेयरमैन बनाया है और इस महफिल के अंदर मैं नाम नहीं लूँगा किसी वजह से, वो मेरे साथी बैठे हैं जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करके उस आदमी को जो है वो चेयरमैन बनवाया था, ठीक है। लेकिन वो एक कहावत भी है कि बिल्ली सिंह पढ़ाया और मुड़ी बिल्ली खाना आया, तो मेरा अजीज बना मुझे उस लिहाज से जो है वो खुशी भी है, मुझे उस लिहाज से बहुत बड़ी खुशी भी है, लेकिन गमी ये है कि जो तरीका इख्तियार किया गया वो तरीका नहीं होना चाहिए था। कोई मेरे घर में बैठे मुझे ही लूटे, कोई मुझे ही चोर कहे, कोई मुझे ही झूठा कहे, जबकि मैंने पिछली महफिल के अंदर भी कहा था कि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें अगर लोग सुन सुना के वक्ती तौर पर जो है वो अपने आप को तकसीम करते हैं तो वक्ती तौर पर इस झूठ का, इस गिबत का, इस बोझ का, इस हजत का। यही मैं अपने भाई का चार्ज संभाल लिया डिलीवरी का और आप मेरे को DC ऑफिस नंबर आता है, जो सरपंच आता है, जो भी और चेयरमैन आता है, कोई भी आता है, वो मेरे को बोलता है कि हम यहाँ बाथरूम बना के देंगे, क्यों माए बहने यहाँ हमारी नाती हैं पानी पर। तो वो मैं इस इलेक्शन लड़ने के बाद मैंने वो काम के लिए तैयार हुआ हूँ, तो मैंने वो काम राशन का कल
तो हमारे सरपंच जी बता जाएंगे हम आपके साथ हैं और आप और मंजूर सरपंच के साथ हैं, अब भी हैं और रहेंगे भी, और हमारे ये काम आपने करने हैं। बहुत बहुत बाकी मैं बंसी साहब बने ना बहुत बहुत शुक्रिया सियासत में आया हूँ। चलो थोड़ा आस्ते आस्ते से दिल खुलाओ थोड़ी चपता जाओ अपनी सब तो बची अपनी इसमें हम इसे पंच अपने वार्ड नंबर चार जो पंच जितिया इंशाल्लाह हम मौल मंजूर है नाल था पर नाल रहांगा भी प्रदीप शर्मा और हमारी यह गुजारिश है कि जिन्हें लोगों को हमने वोट लिया उन्होंने हमारा का शिकायत करी कोई खासकर पानी बहुत मदाई पैपा बहुत किल्लत है लोगों के पानी दो दो चार चार किलोमीटर दूर जा पानी लाए खासकर ये जो पुल एरिया कोठा लाओ दे।